यस फ्रेंड्स, सो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे इन्फोग्राफिक्स को चैट जीपीटी की मदद से बना सकते हैं। हाँ, जैसे आप सब लोगों को पता है कि इन्फोग्राफिक्स का जो SEO की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिंक बिल्डिंग के केस में इन्फोग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, डिजाइनिंग में, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक के आइडियाज़ है तो वो चैट जीपीटी में आप यहाँ पर डाल सकते हो कि भाई कैन यू गिव मी टॉपिक्स फॉर द इन्फोग्राफिक्स फॉर जो भी आपकी बिजनेस है उसके लिए, उसका नाम लिखना है और आपका टारगेटेड लोकेशन भी अगर आपको लोकल बिजनेस है तो लिखना है, अदरवाइज इट इज़ ओके। तो ऐसे आपको वो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन्फोग्राफिक्स के वो दे देगा। उसके बाद आपको जो मीनिंगफुल लग रहा है, डेफिनेटली दे आर मीनिंगफुल, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, टॉप प्लेटफॉर्म्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, तो ये मीनिंगफुल है। कंटेंट मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट कंटेंट एंड प्रमोट हाई क्वालिटी कंटेंट टू अट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑडियंस, ये भी मीनिंगफुल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्रिएट करो। उसके बाद जो पहला आपके पास टॉपिक आया है उसके लिए आप ये प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई कैन यू गिव मी द स्क्रिप्ट फॉर इन्फोग्राफिक्स, ये मेंशन करना जरूरी है। विच स्टेप्स, स्टेट्स, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेज कॉन्सेप्ट्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। जो हमने पहला टॉपिक था, ये जो पहला कॉन्सेप्ट था उसके लिए चाहिए, तो ये उसने हमें बनाकर दिया कि भाई स्टेप वन में आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है कैसे, उसके बाद ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट बना दिया, लेकिन इसमें मुझे जो मिसिंग लगा वो स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, इसलिए मैंने उसको फिर से पूछा कि भाई मुझे स्टैट्स चाहिए जो अबव कंटेंट है उसके साथ। तो उसने मुझे फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स दिया, जैसे कि ये 2.8 मिलियन है, जैसे कि 33 मिलियन है, 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये कंटेंट अगर आपको लंबा लग रहा है तो आप फिर से एक प्रॉम्प्ट निकाल कर शॉर्ट में भी उसको पूछ सकते हो, या ये प्रॉम्प्ट को पहले से इस तरीके से दो कि वो आपको शॉर्ट में मिले। तो ये शॉर्ट वाला है, ठीक है, शॉर्ट वाली कंटेंट का इंफोग्राफिक्स का स्क्रिप्ट है। उसके बाद आप जाओ कैनवा पर, और कैनवा पर यहाँ पर आप इंफोग्राफिक्स के लिए सर्च करो, राइट। तो आप यहाँ पर लैंड हो जाओगे और यहाँ पर फिर आप एक ब्लैंक सिलेक्ट करो, और ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टेप्स है, या तो आप सिर्फ स्टेप्स, राइट, या तो हाउ टू स्टेप्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप ये ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि 5 ways, ये है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी आप, ये भी एक अच्छा है, राइट। तो यहाँ इसमें आपको क्या चेंज करना है, तो आपको आपकी जो कलर पैलेट है आपकी वेबसाइट की वो चेंज करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी सेक्शन को सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से। कंटेंट चेंज करना है जो हमने यहाँ पर बनाया है उसके हिसाब से, और ये जो आइकॉन है उसके हिसाब से भी आपको आइकॉन फाइंडर है वहाँ से आप चेक करके चेंज कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है PDF में, और भी JPG है या तो PNG उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये जितनी भी वेबसाइट है जो इन्फोग्राफिक्स को अपलोड करने की फैसिलिटी देती है, जैसे कि Pinterest है, SlideShare है, वैसी वेबसाइट पर आप उसको अपलोड करो। और अपलोड करते वक्त और बनाते वक्त ये खास ध्यान में रखना है आपको कि आपकी लिंक जो है वेबसाइट की, जो लैंडिंग पेज जहाँ पर आपको यूजर को भेजना है, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करना मत भूलना, राइट। तो आप ये एक बेहतरीन मेथड है जिससे आप आसानी से क्वालिटी एंड हाई लेवल का इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो, एंगेजिंग इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो बहुत ही कम समय में और विथ वेरी लो कॉस्ट। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, राइट।